इस वीडियो पे हम बात करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, सो दैट यू कैन एबल टू अवॉइड और रिड्यूस प्लेजरिज्म इन योर रिसर्च वर्क। दो केसेस हो सकता है, एक तो आप पेपर जब लिख रहे हो उस टाइम पे सिमिलरिटी इंडेक्स कैसे ज़्यादा ना आए, दूसरा है कि आपने एक पेपर लिखा हुआ है वहाँ पे सिमिलरिटी इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है, मतलब प्लेजराइज कंटेंट है एंड परसेंटेज हाई, लेट्स से 50%, एंड आपको अपने रेगुलेशन के हिसाब से उसको कम करके एक लेवल तक लेके आना है, जैसे कि लेट्स से अप टू 10% इफ़ वी फॉलो यूजीसी रेगुलेशन और योर ओन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, जहाँ पे कि बताया गया होगा कि सर्टन परसेंटेज के बिलो लेके आना है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या मेथड आप फॉलो कर सकते हो, आज इस वीडियो पे बात करेंगे। तो फर्स्ट वन, जब मैंने इसको AI प्लेटफॉर्म पे जाके ट्राई किया पूछने के लिए, बट आई थॉट कि लेट मी आस्क इन गूगल प्लेटफॉर्म फर्स्ट, तो वहाँ पे भी AI इंटीग्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे AI ओवरव्यू के हिसाब से हमको ये बता रहा है कि फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू साइट द सोर्सेस, जितना भी सोर्सेस है, जो भी सोर्सेस से आपने कंटेंट लिया है वहाँ पे आपको साइट करना है। नेक्स्ट इज पैराफ्रेज, आपको सही से पैराफ्रेज करना है सो दैट यू कैन एबल टू अवॉइड सिमिलरिटी। एक्चुअली क्या होता है कि आप कंटेंट जहाँ से ले रहे हो एज इट इज़ अगर रखोगे तो वहाँ पे भी सिमिलरिटी आएगा, इवन दो यू हैव साइटेड, अगर आपने साइट भी किया है तभी भी सिमिलरिटी आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पैराफ्रेज करना है। बेसिकली आप पढ़ो जो भी कंटेंट, जो भी प्लेटफॉर्म से आपको लेना है, जो आप लिटरेचर रिव्यू पे बेसिकली रख रहे हो, तो आप उसको पढ़ो देन अपने हिसाब से लिखो, मीनिंग को इंटैक्ट रख के एंड उसको साइट करो। नेक्स्ट इज यूज कोटेशन मार्क, तो यहाँ पे प्रॉपर कोटेशन मार्क यूज करना है अगर, और डायरेक्ट कोटेशन हम बोलते हैं कभी कभी, कभी इनडायरेक्ट कोटेशन भी यूज किया जाता है, अगर कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जहाँ पे कि हम उसको पैराफ्रेज नहीं कर सकते, तो नहीं भी करना चाहिए, तो उस केस पे हम उसको कोटेशन मार्क पे रख सकते हैं, क्योंकि वो बाकी भी जगह पे पब्लिश हुआ होगा और सिमिलरिटी इंडेक्स के अंदर आएगा, तो उसको हम कोटेशन मार्क पे रख सकते हैं प्रॉपर साइटेशन देके। तो क्या होगा, जो भी प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, लेट्स से ड्रिल बिट, ऑथेंटिकेट, ऑल्टरनेटिन, वहाँ पे फीचर होता है टू एक्सक्लूड दिस कोटेशन मार्क मटेरियल, और जो भी यू नो कंटेंट है विद इन कोटेशन मार्क तो कंसिडर नहीं किया जाता है, दैट इज एज पर UGC रेगुलेशन एज वेल। तो गिव योरसेल्फ एनफ टाइम। और एक चीज़ है कि अगर अब आप बैठे हो, सुबह आपने बैठा और आप सोच रहे हो कि मुझे शाम तक एक पेपर रेडी करना है, तो ऐसे नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, डिफरेंट सोर्सेस को आपको खंगालना पड़ेगा, डिफरेंट यू नो कंटेंट से आपको कंटेंट लेके उसको सही से अपने हिसाब से लिख के प्रॉपर साइटेशन दे के फिर काम को बढ़ाना होता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। देन रीड वाइडली, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आपको एक दो कंटेंट से ही मतलब आपका पेपर नहीं बना डालना है, आपको डिफरेंट सोर्सेस को देखना है, डिफरेंट पब्लिश्ड जो भी कंटेंट अभी तक अवेलेबल है, लेट्स से लास्ट 10 ईयर का कंटेंट आप देख रहे हो एक वे पे समझने के लिए कि कहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक पहुँचा है, आपने क्या एडिशन किया है, तो वो सब सोर्सेस को, और जो यू नो अच्छे जगह पे पब्लिश हुआ है, जो कि रेपुटेड जर्नल, लेट्स से कि स्कूपस, वेब ऑफ साइंस, इंडेक्स जर्नल वगैरह पे पब्लिश हुआ है, उसको आप साइट कर रहे हो, सो दैट आप दूसरों को भी ये बता रहे हो कि जो कंटेंट आपने साइट किया है वो पेडिग्री जर्नल का कंटेंट नहीं है, दैट इज़ वेल एक्सेप्टेड जर्नल, एंड वो सब जर्नल को आपको साइट करना है, एंड वेराइटीज ऑफ यू नो वर्क, नॉट जस्ट 2-3 वर्क, मतलब आप अगर आपका रेफरेंस पे जाओ तो एटलीस्ट अगर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो लेट्स से कि एवरेज 20-40 यू नो जर्नल और रेफरेंसेस साइट वहाँ पे होना चाहिए। अगर हम रिव्यू पेपर का बात करें तो मिनिमम एटलीस्ट 100 पेपर, उस इट माइट गोस अप टू 200-300, तो वो डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान पे रखना है। देन यूज प्लेजरिज्म चेकर, जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, आपके यूनिवर्सिटी के पास है, जहाँ से भी आप उसको एक्वायर कर पाओ बिफोर सबमिटिंग दैट यू नो कंटेंट, जो भी रिसर्च कंटेंट है टू ए जर्नल, टू योर यूनिवर्सिटी, आप एक बार चेक करो एंड देखो कि गलती से भी कुछ मिस्टेक ना हुआ हो उस पर, अगर है देन यू हैव टू डू इट इन दैट वे, पैराफ्रेज करना है, साइट करना है, कोटेशन पे रखना है, ऑल दैट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू यूनिवर्सिटी व्हाट they are talking about in their you know website, they have given this content so that we can also able to learn from that. To yahan pe tips diya gaya hai for if we follow this university and what they are saying, yahan pe bhi wahi cheez hai, agar hum baat kare that don't just you know
कॉपी आपको जस्ट कॉपी नहीं कर देना है, यूज रेंज ऑफ सोर्सेस, डिफरेंट रेंज ऑफ सोर्सेज, जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था कि रीड वाइडली, तो यहाँ पे भी आपको रेंज ऑफ सोर्सेज को साइट करना है। देन डेवलप योर ओन स्टाइल, अपना ओन स्टाइल डेवलप करो, ना कि जस्ट जैसे बाकी जगह पे है एज इट इज़ उसको मत रखो, अपने हिसाब से अपना एक ओन स्टाइल डेवलप करो, प्रेजेंटेशन पे, लैंग्वेज पे एंड जो राइटिंग टेक्निक है उस पे। देन गिव गुड क्वालिटी नोट्स, ये आपको हेल्प करेगा, गुड क्वालिटी नोट्स इन दैट सेंस, अगर आपने क्वालिटी पेपर और क्वालिटी कंटेंट से आप बना रहे हो अपना नोट, तभी वो गुड क्वालिटी नोट भी बनेगा एंड वहाँ से आपको साइटेशन इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगा एंड आप वहाँ पे आप मिस्टेक कम करोगे। देन यूज कोटेशन मार्क, जो हम बात कर रहे हैं कि कोटेशन मार्क आपको यूज करना है वेर एवर इट इज एप्लीकेबल। वर्ड काउंट हम लेके जाते हैं, 100 वर्ड्स है तो अप टू 10 वर्ड्स, 10% ऑफ दैट वर्ड आप कोटेशन पे रख सकते हो। दैट इज अगर हम एक एवरेज वे पे चलें सेफ साइट के लिए, कहीं कहीं पे जैसे कि लॉ के केस पे अगर आए तो वहाँ पे लेट से 90-95% कैन बी इन द कोटेशन मार्क, फुट नोट साइटेशन वगैरह होता है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन के हिसाब से वो वेरी करता है, तो आपको एक बार अपना देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सुपरवाइजर से आपका रिसर्च बोर्ड पे दैट यू हैव कोटेड दिस मटेरियल, दिस परसेंट ऑफ मटेरियल इट इज़ फाइन और नॉट, तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। देन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिमिलरिटी से बचना है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोटेशन मार्क पे आप रख दो एंड वहाँ पे आप फिल्टर को अप्लाई कर दो, तो वहाँ पे फिर बाद में भी फंसोगे, तो वो चीज़ आपको रखना है। इस यूनिवर्सिटी ने भी बताया है कि आपको यहाँ पे कोटेशन आप यूज कर सकते हो, पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, पॉसिबल एक्सेप्शन हो सकता है ट्रेडिशनल साइटेशन, जहाँ पे कि हम कॉमन नॉलेज का अगर बात करें एज पर UGC अगर हम देखें, वहाँ पे भी बताया गया है कि अप टू 14 कंजुकेटिव वर्ड को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, वर्ड्स को नॉट परसेंट, 14 वर्ड्स को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं एंड देन दैट शुड बी कॉमन नॉलेज, कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वर्ड अगर कॉमन नॉलेज नहीं है आप वहाँ पे एक्सक्लूजन कर दो। दैट ऑल्सो मैं प्रिफर करता हूँ कि आप अपने सुपरवाइजर से बात करो एंड अप्लाई दैट फिल्टर वर्ड एक्सक्लूजन का, अगर आप अप्लाई कर रहे हो। सोर्सेस एक्सक्लूजन ऑफ सोर्सेस का अभी तक एज सच नहीं है, बट आप अपना खुद का पेपर, अगर आप रिसर्च आपका PhD काम रिलेटेड पेपर है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, अगर आपका एक पॉलिसी है जो कि सेल्फ प्लेजरिज्म सॉर्ट ऑफ यू आर साइटिंग इट, आप साइट करो वो पेपर जो आपने खुद पब्लिश किया है एंड यू हैव दैट प्रोविजन टू एक्सक्लूड इट, तभी आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। हमने उसके ऊपर इन डिटेल बात किया हुआ है, सेल्फ प्लेजरिज्म का एक वीडियो है आप वो देख सकते हो। देन फ्यू एग्जाम्पल यहाँ पे लेके हम समझते हैं, यहाँ पे बताया गया है जैसे कि आप इसको देखोगे, दिस इज द ओरिजिनल मटेरियल, जो स्टूडेंट लेट से स्टूडेंट और समबडी, दिस इज द सोर्स एक्चुअली, सो वहाँ से ये ओरिजिनल मटेरियल है, तो इफ आई एम ट्राइंग टू राइट और स्टूडेंट इज ट्राइंग टू राइट और उसको साइट भी कर रहा है, तो आप देखो किस हिसाब से उसको लिखा है, इन हिज एसे बाय साइटिंग दिस टाइटल, तो वहाँ से स्टार्ट सही से हुआ है एंड देन समवेयर इफ यू सी दिस कंटेंट रिमेन सेम, तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है बिकॉज इट इज सेइंग दैट इट इज स्टिल प्लेजराइज्ड, क्यों, क्योंकि इनएडिक्वेट पैराफ्रेज यहाँ पे हुआ है, इन बिटवीन क्या हुआ है, खाली फ्यू वर्ड्स हैज बीन एक्सचेंज, मतलब वहाँ पे रिप्लेस्ड हो गया है और सिनोनिम्स वगैरह जस्ट चेंज हुआ है, तो स्टिल इट विल कंसिडर अंडर प्लेजरिज्म। देन एक्सेप्टेड वर्सन ये है, आप अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो मैं इन डिटेल अभी नहीं जा रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये वर्जन पे क्या हुआ है, स्टूडेंट ने सही से जो यहाँ पे लीच का जो आइडिया है उसको सही से यहाँ पे बताया गया, मतलब आपको एक तो है कि अगर आप पाराफ्रेज कर रहे हो मीनिंग को इंटैक्ट रख के उसको पाराफ्रेज करना है, वो होना चाहिए प्रॉपर साइटेशन, आप देखो MLA इनटेक्स्ट साइटेशन प्रॉपर दिया गया है एंड बोरो नहीं किया गया, लीच जो वर्ड है उनका वर्ड को यहाँ पे बोरो नहीं किया गया, स्टूडेंट का ओन वर्ड है एंड प्रॉपर साइटेशन है, तो वो आपको फॉलो करना है। दूसरा एक केस लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे दिस इज द सोर्स, एक्चुअल सोर्स है वहाँ से, ये ओरिजिनल मटेरियल है, अभी इसको अगर हम पैराफ्रेज कर रहे हैं सो दिस इज द फर्स्ट केस जो कि प्लैजराइज्ड है, क्यों है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस केस द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ रिमेन एज इट इज, अब देखो
यहाँ पे दो ही और सी इज ट्राइंग टू साइट इट, इसको साइट भी किया है बट वो मिस आउट कर दिया है लास्ट सेंटेंस को. मतलब लास्ट सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट का ओन आइडिया है बट नहीं है, दिस इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम दिस एक्चुअल सोर्स. तो वो केस पे मतलब आपको देखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा अधूरा को आप साइट कर रहे हो. इसका मीनिंग आप समझो, आप एक चीज को पैराफ्रेज कर रहे हो, आपको साइट भी करना है. तो आप जब साइट किए हो बीच पे आपने, यू नो जो पैराग्राफ है बीच पे आपने कहीं पे साइट कर दिया बट उसके नीचे भी उसी सोर्स का कंटेंट है, तो आपको उसको भी कवर करना है. वो यहाँ पे मकसद है समझाने का. सो आपको एंड दैट जो लास्ट लाइन है यहाँ पे एज इट इज लिया गया है तो वो भी नहीं करना है, वो उसको भी आपको पैराफ्रेज करके लिखना है. एक्सेप्टेबल वर्सन ये है. एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट स्टूडेंट यू नो मेंशन द रिसर्च इन ईच सेंटेंस, रिसर्चर इन द ईच सेंटेंस, मतलब रिसर्चर को मेंशन किया गया ईच सेंटेंस पे, व्हिच मेक इट क्लियर दैट द इंफॉर्मेशन इन दिस पैराग्राफ हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम दैट ऑथर. द स्टूडेंट ऑल्सो यूजेस ए क्लियर APA इनटेक्स्ट साइटेशन, क्लियर इनटेक्स्ट साइटेशन भी यूज हुआ है टू पॉइंट द रीडर अबाउट द ओरिजिनल आर्टिकल, मतलब ओरिजिनल सोर्स के बारे में भी बताया गया है. तो यू आर गिविंग प्रॉपर साइटेशन एंड प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट टू द एक्चुअल ऑथर. बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर हम यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, रीडिंग एंड नोट टेकिंग. आप अगर लेट्स से सैंपल कलेक्ट कर रहे हो डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट यू नो लोगों के साथ बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, देन यू हैव टू डू इट प्रॉपरली, यू नो उनके साथ प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे क्वेश्चन इंटरव्यू हो के वो भी आपको रिकॉर्ड करना है एंड वहाँ से इंफॉर्मेशन सही से डिराइव करना है, क्योंकि आप उसको ट्रांसलेट करोगे अपने काम पे, अपने यू नो रिसर्च वर्क पे, तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. देन राइटिंग पैराफ्रेजिंग, देन समराइजिंग, देन राइटिंग डायरेक्ट कोटेशन, जहाँ पे भी डायरेक्ट कोटेशन. यहाँ पे जैसे बताया गया है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखो द नेम ऑफ द आइडिया यू नो ओरिजिनेटर शुड ऑलवेज बी मेंशन इन द सेंटेंस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि ये ऑथर है जो जो मेन आइडिया जनरेटर है, मतलब जिसका काम के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसका नाम को आपको मेंशन करके वो सेंटेंस को आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड समवेयर यू नो एंड पैरेंथेसिस जब साइटेशन होता है सो हम उसको समवेयर वैसे कि द सेकेंडरी सॉर्ट ऑफ साइटेशन. बट अगर आप किसी का काम जो ओरिजिनल ऑथर है उसको प्रॉपर साइटेशन देना चाहते हो, यहाँ पे आप ये चीज़ को समझो, उसका नाम को लेके स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन एबल टू फोकस ऑन दैट, सो दैट जो रीडर है उसको समझ में आएगा कि जो कंटेंट डिराइव्ड है, दो यू नो सेवरल वर्क वहाँ से फिर डिराइव होके अपडेट हुआ होगा, बट जहाँ से वो कंसेप्ट और आइडिया डिराइव है उसको आपको प्रॉपरली एक्नोलेज करना है. तो वो यहाँ पे बताया गया है. तो यहाँ पे रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग, फाइनलाइजिंग पेपर पे इनटेक्स्ट साइटेशन आपको चेक करना है, फुट नोट एंड नोट देखना है, बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस साइट वर्क पेज सही से रखना है, कोटेशन मार्क जहाँ पे एडिक्वेट आपको लगे कि वहाँ पे यूज करना है आप कर सकते हो, देन इनडायरेक्ट कोट जहाँ पे लगे यू नो सेकेंडरी साइटेशन और जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते हो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो विथ प्रॉपर यू नो आप सुपरविजन के अंडर पे वहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हो. देन बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे अगर हम देखें UCLA लाइब्रेरी से जो है बताया गया है दैट डोंट डिले विथ योर रिसर्च और असाइनमेंट. क्या होता है, एक काम आप स्टार्ट कर रहे हो एंड स्टार्ट करके फिर रुक गए तो वहाँ पे क्या एक ड्रॉबैक है, जो काम आप आधा अधूरे पे छोड़े हो, लेट से यू हैव टेकन 6 month ब्रेक, तो उस बिटवीन और भी काम आ जाएगा, माइट बी जो आपका यू नो काम आप कंप्लीट करना चाहते हो वो उस पर कवर हो जाए. यू नो देर आर सो यू नो साइमल्टेनियस वर्क इज गोइंग अराउंड एंड जो कंटेंट अवेलेबल है वहाँ से दे हैव ऑल्सो यू नो डिराइव्ड कंसेप्ट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, तो आपका काम वहाँ पे फिर रुक सकता है और वहाँ पे प्लेजराइज्ड और सिमिलरिटी इंडेक्स आने का चांसेस है अगर इफ यू आर टेकिंग मेकिंग डिले इन योर एक कंटिन्यूस वर्क फ्लो पे उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो. तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक कंटिन्यूस वर्क यू नो फ्लो पे अगर आप काम करोगे तो वो वहाँ पे चांसेस है कि सिमिलरिटी वहाँ पे ज़्यादा ना आए. आपको पता होगा कि आपने काम लास्ट ईयर लेट से पब्लिश, सो आप अगर अभी इस साल देखोगे
सो मेनी रेफरेंसेस माइट बी आउटडेटेड, मतलब वो रिव्यूअर से भी कमेंट आता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है. एंड कमिट टू डूइंग योर ओन वर्क, आपको उसमें एक कमिटमेंट लेके काम करना है. बी 100% डिलीजेंट इन योर नोट टेकिंग, साइट योर सोर्सेस डिलीजेंटली, उसको साइट करना है, वहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है. इस रिलेटेड हम भी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं. स्टूडेंट हैव मिस्ड आउट फ्यू रेफरेंसेस एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. यू नो आप पब्लिशिंग फील्ड पे हो नहीं है, यू हैव टू बी डिलीजेंट इन साइटिंग द रिसोर्सेस और सोर्सेस. अंडरस्टैंड गुड यू नो पैराफ्रेजिंग, गुड पैराफ्रेजिंग ऑल्सो रिक्वायर दैट यू साइट द ऑरिजिनल सोर्सेस. ऐसा नहीं है कि एक पेपर से आपने कंटेंट लिया उसको साइट कर दिया आपका काम हो गया. आपको एक्चुअल में समझना है कि वो कंसेप्ट कहाँ पे डिराइव्ड है. इनकेस उसी पेपर पे वो साइट नहीं है, देन यू हैव टू लुक बैक यू नो कि वो एक्चुअली कहाँ पे साइट हुआ है, एंड उसको और वो कंटेंट को पहुँचना है उसको साइट करना चाहिए. मतलब बेसिकली आपको जहाँ से आइडिया जनरेटेड है प्राइमरी सोर्स को हमेशा साइट करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे, सो दैट ये आपको हेल्प करेगा टुवर्ड्स अवॉइडिंग एंड टू रिड्यूसिंग यू नो प्लेजरिज्म. एंड हमने एक वीडियो पे भी बात किया था कि कैसे आपको खुद से पैराफ्रेज करना है एंड उसको साइट करना है, सो दैट यू कैन एबल टू रिड्यूस द सिमिलरिटी इंडेक्स अगर आपका हाई आ रहा है टू ए परसेंट बिलो दैट. और छोटा छोटा मिस्टेक जो होता है उसके ऊपर भी एक मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे कि आपको 10% के बिलो कैसे लेके आना है, टेकिंग फ्यू यू नो ट्रिक और फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग इन टू कंसेप्ट. जब आप एक सिमिलरिटी चेक कर रहे हो कहीं पे प्लेजरिज्म चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे कैसे सही से फिल्टर यूज करना है, कोटेशन यूज करना है एंड किसके ऊपर फोकस करना है. दो आई हैव ट्राई टू कवर हियर, बट वो वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हो. प्लेजरिज्म करके एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, उस पर ये सब वीडियोज अवेलेबल है, डू वॉच. थैंक यू अगैन, डू लाइक बिफोर लिविंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू.